हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं और मेरा नाम है मनीषा आज मैं बताने जा रही हूँ कि हेज और हैफ़ के बारे में आपको बच्चों को कैसे समझाना है पूरे डीप में नहीं जाना है क्योंकि बेसिक समझाना है उन्हें ठीक है किड्स के लिए है वन और टू क्लास के बच्चों के लिए है इसलिए है. यूज होता है वहाँ जनरली जहां पर जैसे किसी के पास कोई चीज है जैसे मेरे पास ये चीज है तुम्हारे पास ये चीज है इस तरह से हमें बच्चों को समझाना है ठीक है कि तुम्हारे पास ये है मेरे पास ये है तो वहाँ हैफ या फिर हैज का यूज करेंगे अब हैव का, है का, यूज है है, है, है का यूज होता है प्लूरल के साथ और हैज का यूज होता है सिंगुलर के साथ ठीक है सिंगुलर यानी कि जैसे जो एक होते हैं सिंगुलर होते हैं और हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ ठीक है जनरली हैड का भी यूज होता है ठीक है लेकिन हैड का यूज हम पास टेंस में करते हैं मेरे पास ये चीजें थी तुम्हारे पास ये चीजें थी ठीक है लेकिन हैव और हैज का यूज हमें अभी हम बच्चों को सिखाएंगे क्योंकि अभी यही पढ़ना है ओके अब जैसे देखिए हमें हाँ, बच्चों को कैसे समझाना है ये हो गया और ये है प्लूरल हैव का यूज होता है किसके साथ तो फ्लूरल के साथ ठीक है जैसे आई यू वी दे प्लूरल ठीक है यहाँ मैंने प्लूरल इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारी जब चीज़ें आ जाती हैं जैसे काउज तो काउज यहाँ पर प्लूरल हो गए ठीक है डॉक्स डॉक्स यहाँ पर प्लूरल हो गए तो इसलिए प्लूरल अलग से लिखा हुआ है तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हैव का जनरली आई होता है सिंगलर ही क्योंकि जैसे मेरे पास टू है तो आई है मेरे पास तो मैं तो वही एक ही हूँ लेकिन इसके साथ हैव का ही यूज होगा ओके okay? उसी तरह यू तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास ये कार है तो फिर यू भी यहाँ पर सिंगलर ही हुआ लेकिन फिर भी हैव का ही यूज होता है तो ये बच्चों को अच्छे से याद करा देना है कि आई भले ही सिंगुलर हो आई सिंगलर है लेकिन यहाँ हैव का ही यूज करेंगे ठीक है इस तरह से जैसे देखिए यहां मैंने ऐसे करके हैप लिख दिया और एक वर्ड लिख दिया ठीक है तो, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे आई हैव अ कार ओके यू हैव अ कार वी हैव अ कार दे हैव अ कार और प्लूरल आ गया अगर ठीक है प्लुरल मतलब जैसे गर्ल्स दोज गर्ल्स मान लिए वहां पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं तो हम क्या कहेंगे दोज गर्ल्स है कार मैंने उन लड़कियों के पास कार है ठीक है वी है व कार हम लोगों के पास कार है दे है कार उन लोगों के पास कार है यू हैव अकार तुम्हारे पास कार है आई हैव अकार मेरे पास कार है ओके ये हो गया फिर अब हैज का यूज देख लेते हैं का यूज मैंने क्या बताया था सिंगुलर के साथ होता है तो ही ही हो गया लड़कों के लिए सी हो गया यूज लड़कियों के लिए ही मतलब भी वह सी मतलब भी वह ठीक है लेकिन ही का यूज हुआ बॉयज के लिए सी का यूज हुआ गर्ल्स के लिए फीमेल पर्सन के लिए सी का यूज हुआ और ही का यूज हुआ मेल पर्सन के लिए तो ही हैज अ डॉल उसके पास डॉल है यहाँ पर से रिलेटेड है ठीक है मेल पर्सन को कहा जा रहा है ही हैज अ डॉल सी हैज अ डॉल उसके पास डॉल है फीमेल पर्सन के लिए इट इट के साथ भी हैज का यूज होगा अब नेम है जैसे कोई भी नाम ले लिया रवि हो गया मीरा हो गई ठीक है अनुष्का हो गई तो कोई भी नाम ले लिया आपका नाम हो गया मेरा नाम हो गया कोई भी नाम हो गया तो उसके साथ क्या यूज होगा हैज का यूज होगा तो रवि हैज़ अ डॉल तो रवि के पास डॉल है तो इस तरह से हमें बच्चों को समझाना हैज और हैव के बारे में ठीक है अब हमें वर्कशीट कैसे तैयार करके देनी है बच्चों को जिससे वो जब हम हमें सारा बता देना है बच्चों को कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर देना है हैज का यूज़ कहाँ होता है हैव का यूज़ कहाँ होता है ठीक है फिर हमें इस तरह से बना करके देना है और देखना है कि बच्चे कर पाते हैं कि नहीं नहीं कर पाते तो फिर हमें उन्हें समझाना है तो फिर जैसे देखिए रवि हैज बॉल्स अब यहाँ पर टिक लगाना है तो रवि क्या है नाम है एक ही है तो रवि के साथ क्या यूज़ होगा हैज का यूज होगा तो रवि हैज टू बॉल्स तो माय ब्रदर ठीक है मेरा भाई माय ब्रदर हैज अ स्टोरी बुक अब मेरा भाई ठीक है एक ही है माय ब्रदर यहाँ पर ब्रदर्स ने नहीं लिखा है मैंने ब्रदर लिखा है तो माय ब्रदर हैज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ठीक है माय ब्रदर हैज़ स्टोरी बुक मेरे ब्रदर के पास स्टोरी बुक है ट्रीज यहाँ पर देखिए एस लगा है यानी प्लूरल है तो ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेज तो ट्रीज हैव हो जाएगा अ फ्लावर यहाँ पर देखिए अ फ्लावर है ठीक है एक फ्लावर है तो हैज यहाँ हैज का यूज होगा अ फ्लावर हैज मैनी पीपल्स ओके आई है आई के साथ हैव का यूज होता है तो आई हैव अ न्यू कार इस तरह से बच्चे टिक लगाएंगे इस तरह से हमें वर्कशीट तैयार करके देना है बच्चों को यू हैव अ यू हैव अ न्यू मोबाइल ठीक है यू हैव न्यू मोबाइल यहाँ पर और लगा सकते हैं यू हैव न्यू मोबाइल इस तरह से हमें बच्चों को देना है ये हमने जब टिक करने के लिए दे दिया तो उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी देना है बच्चों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए इसके लिए ये वर्कशीट हमें तैयार करके देना ही है हैज और हैव का अब देखिए माय सिस्टर है तो यहाँ माय सिस्टर अगेन सिंगुलर है मैंने एस नहीं लगाया है तो माय सिस्टर हैज हो जाएगा माय सिस्टर हैज अ टॉय यू के साथ have का यूज होता है तो यू हैव dog. दे के साथ have का यूज होता है दे हैव मैनी ट्विस्ट हो जाएगा आई डोंट हैव स्टोरी बुक्स मेरे पास स्टोरी बुक्स नहीं है तो आई के साथ have का यूज होता है तो आई डोंट हैव स्टोरी बुक्स उसी तरह my फादर my फादर एक है सिंगुलर है तो my फादर हैज a न्यू कार तो यहाँ हैज का यूज हो जाएगा डू यू हैव अ डॉल यू के साथ हैव का यूज होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डू यू हैव अ डॉल क्या तुम्हारे पास डॉल है उसी तरह डू यू हैव अ बैट हमें इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी देना है बच्चों को और निगेटिव सेंटेंस भी देना है जिसमें नहीं न का यूज हो जैसे आई डोंट हैव स्टोरी बुक्स मेरे पास स्टोरी बुक्स नहीं है तो आप यू भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को बना करके दें वर्कशीट वर्कशीट में मैंने क्या किया है कि यहाँ मैंने ट्रीज ना लिख करके यहां बहुत सारे ट्रीज मैंने बना दिए हैं तो बच्चों का एक तो ड्राइंग में भाई उनको तो बहुत इंटरेस्ट आता है कि ड्राइंग है और बच्चे खुशी से इसे करेंगे भी तो यहाँ पर क्या करेंगे ट्रीज आप लिख भी सकते हैं फिगर भी बना सकते हैं या दोनों चीज दे सकते हैं फिगर बना करके नाम भी लिख सकते हैं तो ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेज यहाँ पर बच्चे क्या लगा जब बच्चे देख लेंगे कि ये तो ट्रीज है ट्री नहीं है तो यहाँ पर ट्रीज है तो हैव लगेगा ट्रीज है तो लगेगा. ट्रीज आप एक ट्री का भी ड्रॉइंग करके दे सकते हैं उन्हें ठीक है उसी तरह फ्लावर्स हैं बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो यहाँ भी हो जाएगा हैव अब यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने बॉय का चित्र बना दिया है और यहाँ ही लगा दिया है क्योंकि ऐसे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे ही है कि यू है क्या है इसलिए ही लिख दिया है तो ही हैज़ अ ब्लू कार ही के साथ क्या लगता है तो हैज़ लगता है तो ही हैज अ ब्लू कार अब यहाँ पर मैंने किया कि जो हमने बच्चों को पहले पढ़ाया है हैज़ का यूज कहाँ होगा हैव का यूज कहाँ होगा इसके लिए इस तरह से हमें बच्चों को दे देना है और बच्चे इसके सामने लिखेंगे कि कहाँ किसके साथ क्या यूज होता है जैसे आई के साथ क्या यूज होता है तो तो यहाँ हैव का यूज होगा एच ए वी ई -E, ही के साथ क्या यूज होता है तो बच्चे हैज लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल ओके तो ही के साथ हैज का यूज होता है सी के साथ भी हैज का यूज होता है यू के साथ हैव का वी के साथ भी हैव का तो ये सब बच्चों को लिखना है ठीक है माय ब्रदर तो माय ब्रदर है तो एक ही है तो माय ब्रदर हैज हो जाएगा नीलिमा नीलिमा नाम है तो नेम के साथ क्या यूज़ होता है हैज़ का यूज़ होता है तो हैज़ हो जाएगा उसी तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हो तो माय ब्रदर्स माय ब्रदर्स भी लिख सकते हैं माय सिस्टर्स लिख सकते हैं माय सिस्टर लिख सकते हैं आप बच्चों को देखिए कि माय सिस्टर्स में वो क्या लगाते हैं और माय सिस्टर में वो क्या लगाते हैं तो इस तरह से आप चेक करिए और वर्कशीट बनाकर दीजिए बच्चों को जिससे वो अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें अच्छे से हैज़ और हैव का यूज़ समझ पाए ओके okay, वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाते रहती हूँ बच्चों के लिए मैंने सिक्स और सेवन क्लास के लिए भी मैथ में बच्चों के लिए बनाया हुआ है वीडियोस आप उन्हें चेक जरूर करिएगा देखिएगा ओके और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ओके फिर थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग